महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर महाभारत। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर बीजेपी का हंगामा। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से लेकर शिरडी साईं मंदिर खोलने के लिए चल रहा है आंदोलन। साधु संतों के आंदोलन का बीजेपी का समर्थन ने किया समर्थन। साधु संतों और बीजेपी की मांग। उद्धव ठाकरे सरकार से पूछा, जब सूबे में शराब की दुकानें खुली हैं तो मंदिर खोलने में क्या परेशानी। महाराष्ट्र राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिलाते हुए पूछा, अचानक सेक्युलर कैसे हो गए। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से कहा, आप हमेशा सेक्युलर शब्द से नफरत करते थे, बड़े हिंदूवादी थे, अयोध्या भी गए थे। गवर्नर ने कहा, उद्धव सरकार मंदिर खोलने का आदेश जारी करे, मंदिर खोलने की तारीख बार बार क्यों टल रही है। उद्धव ठाकरे का राज्यपाल को जवाब, कहा आपसे हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद संजय राउत ने गवर्नर से पूछा, क्या सेक्युलरिज्म संविधान का हिस्सा नहीं है। संजय राउत ने कहा, आत्मनिर्भर होकर आत्मचिंतन करें राज्यपाल। हाथरस केस में पहली बार क्राइम सीन पर पहुंची सीबीआई की टीम। साइंटिफिक और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम के साथ मौजूद, सबूत जुटा रही है सीबीआई। सीबीआई ने पहले मृतक के भाई से पूरे घटनाक्रम पर सवाल किए, फिर पीड़ित की मां को भी क्राइम स्पॉट पर ले जाया गया। हाथरस में सीबीआई टीम शमशान घाट की भी पड़ताल करने पहुंची। 30 सितंबर को पीड़िता का यही अंतिम संस्कार हुआ। मौके वारदात पर मौजूद है सीबीआई की टीम, पीड़ित परिवार से पूछताछ कर सकती है। हाथरस की चंदपा कोतवाली भी गई सीबीआई। कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ। सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले पीड़ित के गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई। आज डॉक्टर्स की टीम भी जा रही है। राहुल गांधी ने हाथरस के मुलाघड़ी गांव का वीडियो ट्वीट करके सरकार को घेरा, कहा ये वीडियो उनके लिए है जो सच्चाई से भाग रहे हैं। वीडियो में स्थानीय लोगों की बातचीत कैद। किसी ने कहा, दलित तो अछूत होते हैं, तो किसी ने कहा, उन्हें आज भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। झांसी में 17 साल की लड़की से गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार। रविवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई थी वारदात। अहमदाबाद का हिस्ट्री शीटर रेपिस्ट गिरफ्तार। मोहम्मद रफीक को पुलिस ने दबोचा, 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का आरोप। पैरोल पर जेल से बाहर आए रफीक ने एक बार फिर घिनौनी हरकत की कोशिश की। रेप के मामले में पहले से सजा काट रहा है। लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति के विदेश जाने से महिला परेशान थी। ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। पहले पति से तलाक हो चुका था। हाथरस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट मिलने सक्रिय होने के मिले सुराग। सड़क पर मिली रोती एक नाबालिग बच्ची। खिड़की से कूदकर भागी थी पीड़िता। कहा एमपी से सिलाई का काम कराने के नाम पर हाथरस लाया गया। यूपी के गोंडा में 3 बहनों पर एसिड अटैक। रात को छत पर सोते वक्त युवती पर तेजाब डाला गया। यूपी के ललितपुर में दलित परिवार से बेरहमी। दबंगों की बुजुर्ग के साथ मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को खंभे से बांधकर पीटा। पुलिस ने युवक को गांव वालों के कब्जे से छुड़ाया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कारोबारी की लाश मिली। किडनैपिंग के बाद हत्या। फैक्ट्री से घर जाते वक्त हुए थे लापता। पुलिस के मुताबिक शव पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं। कल रात हज हाउस के पास बरामद हुई थी कार। राजस्थान के चुरू में प्रेग्नेंट महिला की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। लोगों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने अस्पताल पर कार्रवाई करने और मुआवजे की मांग की। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी धरने पर बैठे। 72 घंटे बाद हुआ महिला का अंतिम संस्कार। शनिवार को हुई थी मौत। 3 दिन तक फ्रीजर में रखा रहा शव। पंजाब के मोगा में शर्मनाक मामला। अस्पताल की बेरुखी से महिला ने पार्किंग में बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल ने महिला को भर्ती करने से इनकार किया था। मामला सामने आने पर जांच के आदेश। पंजाब के फतेहगढ़ में लोगों का हंगामा। एक युवक पर पवित्र धर्म ग्रंथ की बेअदबी का आरोप। लोगों ने युवक की पिटाई की, कार में तोड़फोड़। युवक और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग पर हाईवे जाम किया, आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की कार में तोड़फोड़। कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। महिलाओं और बच्चों को लाठी डंडों से पीटा, घर को आग लगाई। एमपी के जबलपुर से आई डराने वाली तस्वीर। रोड रेज की घटना में ऑटो ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर 2 के खिलाफ FIR। ऑटो और एक्टिवा के बीच टक्कर के बाद हुई मारपीट। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। जबलपुर पिटाई मामले में 2 गिरफ्तार। बोले एमपी में कानून का राज, तालिबानी संस्कृति नहीं। लद्दाख में LAC पर एयर पेट्रोलिंग बढ़ी। 12 घंटे से ज्यादा चली भारत चीन की 7वें दौर की बातचीत, बेनतीजा। सीमा पर विवाद को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान की साझा साजिश बताया। बोले भारत चुनौतियों से मजबूती से सामना करेगा। जम्मू कश्मीर के हथियारों की खेप भेजने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम। तंगधर में सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा जब्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया। उद्धव ठाकरे के सामने प्रधानमंत्री ने फडणवीस की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बालासाहेब विखे पाटिल ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और रोजगार के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई। कहा लापरवाही न करें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रियंका गांधी ने किसानों की फसल की सही कीमत नहीं मिलने पर सरकार को घेरा। कहा धान की सरकार खरीद नहीं कर रही है।
प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र किया, कहा सरकार ने नहीं सुनी तो आंदोलन करेंगे। यूपी उत्तराखंड से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 9 नवंबर को चुनाव, नामांकन करने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर। जेडीयू चीफ बिहार के मुख्यमंत्री कल से शुरू करेंगे अपना चुनाव प्रचार, नीतीश कुमार बांका से रैली को संबोधित करेंगे। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नामांकन भरा, भाई तेजस्वी भी साथ थे। नामांकन से पहले तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया, बिहार के भावी मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव के साथ हसनपुर से नामांकन दर्ज किया। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में जीत का दावा किया, कहा कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला बोला, कहा 15 साल का शासन हास्यास्पद। तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, कहा सूबे में हालात भयानक, हर 4 घंटे में रेप और 5 घंटे में मर्डर। आरजेडी ने दागी उम्मीदवारों का ब्यौरा सार्वजनिक किया, 20 बाहुबलियों के क्राइम रिकॉर्ड वेबसाइट पर डाले, अनंत सिंह, सुरेंद्र यादव, भूपेन चौधरी के केस डाले। दागी उम्मीदवारों को टिकट देने पर आरजेडी ने खुद सफाई दी, कहा दागी और बाहुबली उम्मीदवार अपने इलाके में लोकप्रिय हैं। बिहार में चुनाव में एक और गठबंधन की सुगबुगाहट, संजय राउत ने शिवसेना एनसीपी गठबंधन के साथ 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। देश में एक दिन में 55,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 71,75,000 से ज्यादा, कोरोना से मौत के मामले में भी लगातार कमी, 24 घंटे में 706 लोगों की जान गई। कोरोना से एक दिन में 78,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, अब तक 62,27,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में सोमवार को एक दिन में 10,73,000 लोगों की कोरोना जांच हुई। जीओएम की बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा अगले साल में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,849 केस, 40 की मौत, अब तक 20,535 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 7,089 नए मामले, 165 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 2,170 लोग संक्रमित, 42 की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,234 नए मामले, 44 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की कोरोना के एसओपी की धज्जियां उड़ाई, मास्क नहीं लगाया। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3,583 लोग पाए गए संक्रमित, 60 की मौत। गुजरात में 1,169 नए मामले, 8 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में फिर 10,517 पॉजिटिव केस, एक दिन में 102 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,015 लोग संक्रमित, 65 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 1,708 नए केस, 2,009 रिकवर, राज्य में 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 9,347 नए केस, 96,316 एक्टिव मामले। कोरोना काल में देश में हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बना केरल, तिरुवनंतपुरम में आधुनिक तकनीक से लैस हुआ पब्लिक स्कूल। आगरा में छोटे व्यापारियों पर कोरोना की मार, किताबें नहीं बिकने से परेशान एक दिव्यांग बुक सेलर। गुजरात के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर महामारी की मार, कारोबारियों ने कपड़ा उद्योग के बुरी तरह प्रभावित होने की बात कही। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खतरनाक, आईटीओ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब। पंजाबी बाग, वजीरगंज, शाहदरा में एक्यूआई 300 के पार। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कटेरिया का अजीबोगरीब बयान, कहा गाय का गोबर रोक सकता है रेडिएशन, मोबाइल में हो इस्तेमाल। विशाखापट्टनम में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक की खबर से हड़कंप, आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री एमजी रेड्डी का बयान, कहा झूठी अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जांच जारी। कोलकाता के बेलाघाट में एक घर में जोरदार धमाका, बिल्डिंग की छत और दीवार को नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के रोहतक में बदमाश बेखौफ, गांधी कैंप इलाके में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ही परिवार के सदस्य आपस में भिड़े, जमीन विवाद पर हंगामा। हैदराबाद में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाते 7 सट्टेबाजों को पकड़ा गया। तेलंगाना में बेकाबू कार ने बाइक और कार में टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत, 5 घायल। मुंबई के नजदीक ठाणे में इमारत की 7वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत, पुलिस जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कई इलाकों में भारी बारिश, जल भराव से बढ़ी लोगों की मुसीबत। विशाखापट्टनम में पानी के तेज बहाव में बही कार, 1 की मौत, 3 को बचाया गया। विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, अचानक गिरी घर की दीवार, हादसे में एक प्रेग्नेंट महिला की मौत। हैदराबाद में बेमौसम बारिश, शहर में कई जगहों पर पानी भरा, ट्रैफिक पर ब्रेक। कर्नाटक के बेलगावी में बारिश के बाद बैराज के गेट खोले जाने से नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। पानी के तेज बहाव में बही सड़क किनारे खड़ी एक कार को बचाने की कोशिश में युवक भी बहने लगा, काफी मेहनत के बाद बचाई गई जान। ओडिशा में भुवनेश्वर के कुछ इलाकों में भारी मौसम विभाग ने दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी दी। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान की जेल में 9 साल से जेल में बंद गिलगित बाल्टिस्तान के राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की मांग। दिल्ली के घिटौरनी मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की मुस्तैदी से एक शख्स की जान बची। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर एक शख्स अचानक सीने के दर्द के बाद नीचे गिरा। गाजियाबाद के मोदी नगर की महिला एसडीएम ने पेश की मिसाल, बच्ची को जन्म देने के 14 दिन बाद ड्यूटी पर लौटी।